कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के करीब एक तटवर्ती गांव में हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों का इलाज नगर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने एसपी उदय कुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कर्नाटक जनता पार्टी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा का कुछ मांगों को लेकर देर रात से विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने धरना जारी है। येदियुरप्पा सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई विदाई योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्हें बिस्तर और खाना सदन के अंदर मुहैया कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कावेरी जल विवाद अधिकरण के फैसले को लागू करने के लिए बोर्ड के गठन पर तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर की याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत वर्ष बलात्कार के खिलाफ इंडिया गेट के आसपास आंदोलन के दौरान लागू की गई निषेधाज्ञा के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने दिल्ली निवासी अधिवक्ता आनंद कुमार मिश्रा को अपनी शिकायत के साथ निचली अदालत में जाने के लिए कहते हुए याचिका खारिज कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में एक पुल का हिस्सा टूटकर नीचे खड़ी मालगाड़ी पर गिर गया, जिससे 7 लोग घायल हो गए। हादसे के समय पुल पर से वाहन भी गुजर रहे थे। राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर शहर के मरीपुर इलाके में पुल का 50 फुट का हिस्सा ढह गया। उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार इंसेफेलाइटिस से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक ही रात 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इस साल बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या 597 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरने वाले बच्चे गोरखपुर और कुशीनगर जिले के हैं। केन्स इंडिया के निदेशक मंडल ने 5725 करोड़ रुपए के शेयर पुनर्खरीद योजना को मंजूरी दी। कंपनी अधिकतम 335 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 8.9% शेयरों को वापस खरीदेगी। उधर सेंसेक्स 5 अंकों की गिरावट के साथ 20420 पर बंद हुआ।